नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो गाइस, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज में हम डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली कुछ वीडियो में हमने फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था। हमने टाइप्स ऑफ फ्रेम देखे थे, ये फ्रेम क्या होता है, फ्रेमिंग क्या होता है, बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग, कैरेक्टर काउंट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ लिया। सो आज के इस वीडियो में हम डेटा फ्लो मेथड के बारे में डिटेल में समझेंगे और फ्लो कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देर के बड़ी जल्दी हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डेटा फ्लो मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। सो डेटा फ्लो मेथड, जैसे कि सजेस्ट कर रहा है, मेरा डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फ्लो कहाँ से होगा दोस्तों, ये होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, या फिर हम बोल सकते हैं सेंडर से रिसीवर तक मेरा डेटा फ्लो होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहेगी और आप सारे कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ तो आप प्लीज एक छोटा सा टास्क लीजिए, आप एक और डिवाइस से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, और अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में डन लिख देना ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम फ्लो कंट्रोल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक क्या है, डेटा फ्लो मेथड। अब दोस्तों, फ्लो कंट्रोल किसकी फंक्शनैलिटी होती है, फ्लो कंट्रोल इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। हम पहला पॉइंट लिख देते हैं, फ्लो कंट्रोल इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। फ्लो कंट्रोल मेरी डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी होती है। सो फ्लो कंट्रोल में होता क्या है, फ्लो कंट्रोल में बेसिकली दोस्तों, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा सेंडर है, मेरा सेंडर कुछ डेटा एलिमेंट्स भेज रहा है मेरे रिसीवर को, ये मेरा हो गया रिसीवर, अब ये हो गया सेंडर एंड ये हो गया रिसीवर। अब सेंडर कुछ डेटा मेरे रिसीवर को भेज रहा है। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे सेंडर ने डेटा बिट्स भेज दी 0, 1, 2, 3, 4, 5। आर यू गेटिंग दिस थिंग, मेरे सेंडर ने सारी डेटा बिट्स भेज दी, मतलब सेंडर एक साथ 6-6 बिट दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है रिसीवर के एंड में, रिसीवर एक साथ सिर्फ 3-3 या फिर 4-4 बिट ही रिसीव कर सकता है। सपोज मैं कह रहा हूँ 4 बिट रिसीव कर सकता है, 0 रिसीव कर दी, 1 रिसीव कर दी, 2 रिसीव कर दी और फिर 3 भी रिसीव कर दी। सो ये रिसीव हो रही है। अब देखो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मेरा सेंडर तो 6 बिट भेज रहा है एक साथ, लेकिन जो मेरा रिसीवर है वो सिर्फ 4 बिट रिसीव कर सकता है। तो जब सेंडर ने 6 बिट भेज दी रिसीवर के पास, तो इसके पास बाकी की बिट भी तो आई होगी, 4 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, लेकिन जब ये 4 ही रिसीव कर सकता है तो बाकी की 2 को क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा। जब ये रिसीव ही नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा, इसे निगलेक्ट कर देगा, निगलेक्ट मतलब डिस्कार्ड कर देगा। अब मान लो सेंडर बहुत ज्यादा डेटा बना रहा है, भेज रहा है डेटा, सेंडर इज सेंडिंग अ लॉट ऑफ डेटा, सो क्या फायदा है मेरे सेंडर का इतना सारा डेटा भेजने के लिए। आर यू गेटिंग दिस थिंग, मतलब उनके प्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग रेट में डिफरेंस है। सो ये कॉन्सेप्ट आया समझ में। सो इसी चीज को रिजोल्व करने के लिए हम डेटा फ्लो मेथड के बारे में पढ़ते हैं। और फ्लो कंट्रोल किसकी फंक्शनैलिटी है, फ्लो कंट्रोल मेरी फंक्शनैलिटी है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर होती है सेकेंड लेयर फ्रॉम द बॉटम। आर यू गेटिंग दिस थिंग, फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर होती है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी OSI मॉड्यूल की लेयर याद करने के लिए, आज फिर से हमें टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज क्या डिनोट करता है, एप्लीकेशन लेयर, फिर से मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, टेस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं मतलब नेटवर्क लेयर, देना पड़ेगा मतलब डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझ लिया है, आपको OSI मॉडल के बारे में डिटेल में समझ आना चाहिए। सो हम ये सारी चीजें OSI मॉडल से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा सिलेबस ही OSI मॉडल से रिलेटेड है। सो OSI मॉडल के बारे में ही पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में हमें पढ़ना है डिटेल में। सो ये चीज आगे आपको समझ में। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं और हम अपना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो क्या कंडीशन है मेरी, व्हेन सेंडर डेटा प्रोड्यूसिंग रेट इज मोर देन द रिसीविंग रेट
then definitely some packet with some packets, या फिर आप फ्रेम भी बोल सकते हो, some packets will go lost मतलब वो खो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, वो रिसीव नहीं करेगा. आप कुछ भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. सो अब ये चीज तो है कि लॉस हो जाएंगे. सो अब हमें क्या करना है, हमें उन पैकेट को लॉस होने से बचाना है. सो हम उन पैकेट को लॉस होने से बचाने के लिए कुछ डेटा फ्लो मेथड के बारे में समझते हैं. सो क्या कंडीशन है मेरी, सो व्हाट कैन आई से, मैं क्या बोल सकता हूँ. सो टू प्रिवेंट द पैकेट आप पैकेट बोल सकते हो या फिर इसे डेटा भी बोल सकते हो, पैकेट्स लेस डेटा फ्रॉम बीइंग लॉस वी नीड टू मैच सेंडर्स प्रोड्यूसिंग रेट with the receiver receiving rate. Are you getting this thing? मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके रेट को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा. इन द सेंस मतलब अगर ये चार पांच पैकेट भेज रहा है तो रिसीवर को भी चार पांच पैकेट ही रिसीव करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि मेरा सेंडर 10 पैकेट एक साथ भेज रहा है, रिसीवर एक ही पैकेट रिसीव कर सकता है, तो उसमें क्या होगा, डेटा लॉस ज्यादा होगा. सो हम इस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ डेटा फ्लो मेथड यूज करते हैं. सो वो डेटा फ्लो मेथड है कौन कौन से मेरे, आइए जानते हैं. सो मेरा पहला फ्लो कंट्रोल मेथड क्या है, मेरा पहला फ्लो कंट्रोल मेथड है स्टॉप एंड वेट, ARQ की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. उसके बाद आता है मेरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जिसमें आता है मेरा गो बैक एंड SRARQ सिलेक्टिव रिपीट रिजेक्ट ARQ. सो आइए एक बार ये सारे फ्लो कंट्रोल मेथड जान लेते हैं और हम आगे वाली कुछ वीडियो में इन सारे मेथड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो क्या कंडीशन है मेरी, वी हैव सम फ्लो कंट्रोल मेथड. सो फ्लो कंट्रोल मेथड मेरे कौन कौन से होंगे, सबसे पहले होगा मेरा स्टॉप एंड वेट ARQ की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. अब दोस्तों ये चीज कब होगी, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट स्टॉप एंड वेट ARQ कब होगा, जब मेरी सेंडर विंडो साइज कितनी हो जाएगी, N=1 होगी, मतलब सेंडर विंडो साइज होगी 1. अब सेंडर विंडो साइज क्या है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे. उसके बाद आती है मेरी अगली कंडीशन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होगा, मेरा जो सेंडर विंडो साइज है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है. आर यू गेटिंग दिस थिंग, एंड क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा सेंडर या फिर रिसीवर्स विंडो साइज बोल सकते हो आप, सेंडर्स विंडो साइज. अब दोस्तों जो मेरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है इसमें क्या होती है, मेरी विंडो स्लाइड होती है. अब जैसे कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल नेम सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर मेरे दो मेथड्स होते हैं. पहला मेथड है मेरा GBN. GBN किस चीज के लिए स्टैंड करेगा, गो बैक एंड. अगला मेथड है मेरा SRARQ. क्या मेथड है मेरा, SRARQ. अब SRARQ मेरे किस चीज के लिए स्टैंड करेगा, इट विल स्टैंड फॉर सिलेक्टिव रिपीट ARQ, या फिर आप कभी कभी इसे सिलेक्टिव रिपीट रिजेक्ट ARQ भी बोल सकते हो, सिलेक्टिव रिपीट ARQ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, वी कैन ऑल्सो से इट सिलेक्टिव रिपीट रिजेक्ट ARQ, रिजेक्ट ARQ. अब दोस्तों ARQ की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. सो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये क्या है मेरे डेटा फ्लो मेथड्स हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ दे आर माय फ्लो कंट्रोल मेथड. तो मेरे पास दो फ्लो कंट्रोल मेथड है, स्टॉप एंड वेट ARQ, जिसमें क्या होगा सेंटर विंडो साइज 1 के इक्वल होगा. उसके बाद आती है मेरी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. इन सारी चीजों के बारे में आप अगली वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होगा, जैसा मेरा सेंडर मेरा रिसीवर को कुछ डेटा भेज रहा है, तो सेंडर क्या भेजेगा, एक डेटा बिट भेजेगा या फिर एक पैकेट भेजेगा, आप कुछ भी समझ सकते हो, हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे. सो सेंडर ने कुछ भेज दिया रिसीवर पे, तो रिसीवर उसे रिसीव करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को कि मैंने भेज दिया.
जैसे अगर एक बिट भेजा तो एक बिट के बाद वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एक फ्रेम भेजा तो एक फ्रेम के बाद वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो एक पैकेट के बाद भी वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। सो जो भी वो सेंडर रिसीवर को भेजेगा वो क्या जनरेट करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। फिर उसके बाद जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट वापस मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सेंडर दोबारा भेजेगा एक पैकेट, फिर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर सेंडर दोबारा भेजेगा। मतलब सेंडर भेज रहा है फिर रुक रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है फिर दोबारा भेज रहा है, स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होगा, एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, मतलब सेंडर विंडो साइज वन से बड़ा होगा। तो ये एक साथ खूब सारी बिट भेज सकते हैं, एक साथ खूब सारे पैकेट या फ्रेम भेज सकता है, जिस हिसाब से हमारी कंडीशन होगी। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आपको मतलब समझ आया फ्लो कंट्रोल का और डेटा फ्लो मेथड का? सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर हूँ आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।